सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रतीक सहजपाल के नए सॉन्ग सुबह शाम की। यार अपने इंडिया में अगर बच्चों की अहमियत नहीं रहती ना, तो आज सुबह शाम प्रतीक सहजपाल का गाना नहीं बल्कि मजबूरी जरूरत और काम करने की टाइम गिर जाती, क्योंकि फिर बिग बॉस सो ही नहीं रहता ना। और अगर बिग बॉस सो ही नहीं होता तो फिर अपने प्रतीक भाई एक्टर नहीं बल्कि किसी ठेकेदार के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय होते। खैर लेकिन अभी अपन लोग प्रतीक भाई के ऐसे बेइज्जती करने वाली कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यार अपने प्रतीक भाई हैं पंडित आदमी और हमारे यहाँ पंडितों के पैर धोए जाते हैं, इज्जत नहीं। लेकिन अपन लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने प्रतीक सहजपाल को रोस्ट करने के नाम पर सरकार की सोच की मां बहन करके रख दिया कि बेसिक एजुकेशन को फ्री करके कुछ नहीं होता। अगर कोई अपनी इच्छा से अनपढ़ रहना चाहता तो फिर तुम चाहे मिड डे मील दो या फिर राशन फ्री कर दो, वो अनपढ़ ही रहेगा। खैर तो चलो आओ यार फिर देखते हैं कुछ ऐसे ही रोस्टर्स को। मिली इन प्राणी से, ये है हमारे प्रतीक सहजपाल। एक दिन एक कुकड़ ने इनको अपना दे दिया था और कुछ नहीं, तो फिर वो अंडा प्रतीक सहजपाल ने खा लिया। फिर जब प्रतीक ने वो अंडा खाया तो उसको पता चला कि ये अंडा नहीं, ये तो टट्टी है। और उसके बाद उसकी चूतरों से नहीं, मुंह से भी टट्टी निकलती है। देख रहे हो, यही होता है यार जब किसी घर में सिर्फ माँ नहीं बल्कि बाप भी सीरियल देखने का शौकीन है, फिर वो दोनों मिलकर ऐसे ही नॉनसेंस बच्चे पैदा करते हैं। इस बंदे को ना एजुकेशन की नहीं बल्कि चेकअप की जरूरत है। नहीं यार अगर ऐसी बातें करके रोस्ट हो जाता है ना, फिर कैरी मिनाटी बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं बल्कि कामचोर आदमी है, जो 8-10 मिनट की वीडियो बनाने में 1-1 महीना लगा जाता है। नहीं अगर यही प्रॉपर रोस्ट होता है ना तो चलो ठीक है देख लेते हैं। तो तुम्हें पता की इस बंदे के दोस्तों से चूता कहकर क्यों बुलाते हैं? तो ये ना एक दिन अपने घर में चावल बना रहा था, इससे गलती से चावल में ज्यादा पानी गिर गया। पानी को कम करने के बजाय इसने चावल के साथ एक डायपर भी उसके अंदर डाल दिया। फिर कहता है कि जो पानी है ना उसे डायपर सुखा देगा। अबे साले, यही नहीं एक बार ना इसके दोस्त ने इसे बोला कि खाली बोतल के ना एक कबाड़े वाले 2 रुपए दे रहा है। फिर इसने अपने पिताजी के जेब से पैसे निकाले, ठेके पे कर दारू लेकर अपने मोहल्ले के बूढ़ों को पिला दी और फिर खाली बोतल ले जाकर उस कबाड़े वाले से 2 रुपए ले आया। अरे तो कुछ भी नहीं यार, एक बार इसको किसी ने बता दिया कि दूध और मछली को एक साथ खाने से सफेद दाग हो जाते हैं, तो ये अपने घर गया इसने मछली और दूध साथ में खा लिया, जिससे कि इस पर सफेद दाग हो जाए और ये गोरा दिखने लगे। अब गोरे का तो पता नहीं लेकिन जेबरा जैसा शरीर लेकर घूम रहा है ये चूतिया साला, कुछ भी बोलता है। क्या मतलब तुम मुझे पढ़ा लिखा गवार समझ रहे हो? अबे मैं रोस्ट कर रहा हूँ यार, भाई बातें तो बनानी है ना, बस बातें बनाकर अगले बंदे की बेइज्जती होनी चाहिए। ओ भाई तो दोस्तों ये जो गाना है नैना मेरे, तो ये गाने का नाम कैसे बना होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो हमारे सल्लू भैया थे वो चला रहे थे गाड़ी एकदम हैवी ड्राइवर की तरह, और जो प्रतीक थे वो चल रहे थे फुटपाथ पे, तो तुम्हें पता ही है कि फिर क्या होगा। तो फिर प्रतीक के हाथ में उसकी एक आंख और दूसरा हाथ उसकी दूसरी आंख पे ऐसे बना तो नहीं। भाई रोस्टिंग का तो पता नहीं लेकिन भोजपुरी फिल्मों का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिख सकता है, तो नहीं देख रहे हो तुम भाई की इमेजिनेशन, मतलब सलमान भाई के हाथ से करने के शौक को कैसे इसने गाने के टाइटल से रिलेट कर दिया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ यार कि ये बंदा कैसे पैदा हुआ। एक बार ना 2 बूढ़े सलाजित खाते खाते सोच रहे थे यार कि हमें मालदीव्स जाना चाहिए, लेकिन फिर उन बूढ़ों को टेंशन हुई यार कि अगर हम चले गए तो फिर हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। एक बूढ़े की एक बेटी थी और दूसरे बूढ़े का एक बेटा, तो उन दोनों बूढ़ों ने अपने अपने बच्चों को कहा कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और वो खुद मालदीव्स चले गए। और बस फिर उन दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखते रखते दुनिया को एक रोस्टर दे दिया। चल नहीं मानता मैं यार कि अच्छी वीडियो बनाने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है, लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब ये थोड़ी यार कि तुम गोबर में अंडा और चीनी मिलाकर उसे केक मान लो। नहीं जिस हिसाब से ये बंदा प्रतीक सहजपाल को रोस्ट कर रहा है ना, तो एक बात तो क्लियर है कि प्रतीक की वजह से इसके घर वालों को कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो रोस्ट कम और खुन्नस ज्यादा दिख रही है। जो हमारे सल्लू भैया थे वो चला रहे थे गाड़ी एकदम हैवी ड्राइवर की तरह, और जो प्रतीक थे वो चल रहे थे फुटपाथ पे, तो तुम्हें पता ही है कि फिर क्या होगा। तो फिर प्रतीक के हाथ में उसकी एक आंख और दूसरा हाथ उसकी दूसरी आंख पे ऐसे बना तो नहीं। नहीं वो तो अच्छा यार कि प्रतीक सहजपाल ने कोई अफसोस नाम का गाना नहीं किया, नहीं तो ये उस पर भी बातें बता देता कि एक दिन प्रतीक सहजपाल हिला रहा था और फिर गाने के बाद उसे अपनी गलती महसूस हुई कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा, और बस इसी घटना के बाद उसने अपने गाने का नाम अफसोस रख दिया। और मुझे तो यार इंतजार है उस दिन का जिस दिन की प्रतीक सहजपाल इसकी वीडियो देखने के बाद चुतिया पर सॉन्ग का कवर सॉन्ग बनाएगा, समझ रहे हो। अब यार अगर रोस्ट के नाम पर सिर्फ ऐसी बातें बकनी तो मैं अगले 20-30 साल तक किसी को भी बड़े आराम से रोस्ट कर सकता हूँ। एकदम लग रहा है सस्ता टाइगर श्रॉफ। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर श्रॉफ को टट्टियां लग गई, वो खा पी के वही निकाल रहा है। हाँ किसी का अगर 6 बॉडी हो तो वो टाइगर श्रॉफ का सस्ता वर्जन हो गया। क्या करें सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ तो भाई फिर ऐसी हरकतें करने वालों को क्या कहेंगे? विराट कोहली। नहीं अगर उसकी भी 6 बॉडी है तो वो टाइगर श्रॉफ का सस्ता वर्जन हो गया। अबे बॉडी छोड़कर एक्टिंग और स्ट्रगल नहीं दिखता क्या तुझे? अब ऐसे मुझे उसके रोस्ट करने से घंटा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस कंटेंट चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई यार वीडियो में रत्ते भर तो लॉजिक रख लेता। तुम तो भोजपुरी फिल्मों के सीन की तरह बीच बीच में कुछ भी दिखाए जा रहे हो, छोड़ो। खैर तो चलो यार बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ये तुम्हारी इच्छा है। बाकी अपन लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।